भाई तुम लड़ाइयों की बात होती है, बहुत तरह की बात। लेकिन आपने जो सोशल मीडिया का यूज़ किया है दीपिका की जान बचाने के लिए, वीडियो उसमें किया था, उसमें आपके सारे फ्रेंड्स जुड़े एक मुहिम की तरह, क्या कहेंगे और आज अपनी जाँच के लिए कैसे? मुझे लगता है कि अगर हम सुबह न्यूज़पेपर उठाते हैं और टीवी ऑन करते हैं, हर तरफ हम नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं कि कहीं मर्डर हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं डकैती हो गई या स्कैम्स हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत पॉजिटिविटी है जिनको स्पेस ही नहीं मिल पाती ना। तो आई थिंक दुनिया बहुत अच्छी है, लोग अवेयर नहीं है, सिचुएशंस बहुत अच्छी है, लोग अच्छे काम भी करते हैं। अब आके मुहिम से जुड़ो, हमारा एक पेज है सर्व ह्यूमैनिटी सर्व गॉड और एक उधम सिंह एनजीओ है ग्रुप, ये ब्लड डोनेशन में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा एक ग्लोबल सिस्टम डेवलप किया है, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत ज़्यादा डोनर्स की ज़रूरत है। तो मैं अपील करना, आपके थ्रू अपील करना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में साथ जुड़ें। और पीजीआई में हम यहीं पे इस ट्राई सिटी में जमे पले बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सराय के अंदर ग्रेविटी है सिचुएशन की, वो यहाँ आके महसूस की जा सकती है। लोग अवेयर ही नहीं है अपने घरों के अंदर बैठ के कि यहाँ पर सिचुएशन कितनी ज़्यादा, लोगों को नीड है फाइनेंशियल और एज वेल एज दवाइयों की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये आप सारे एक स्टूडेंट हो, पास आउट हुए हो, जस्ट अभी पास ही हुए, तो ये आपने इतनी बड़ी राशि कैसे कटे की, क्या था? हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अब एनआरआईज हो चुके हैं, एज वेल एज ये पंजाबी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, गर्ल्स और बॉयज़, और एज वेल एज ये पंजाब यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हमारे साथ, उधम सिंह ग्रुप भी हमारे साथ जुड़ गया, और हम आपस में शहर में इकट्ठे करते हैं, एज वेल एज एनआरआईज लड़कों को अपील करते हैं जो अब अच्छा कमा रहे हैं, वो अपने 10% 10% ऑफ देयर इनकम निकाल के हमें इस मूवमेंट में साथ देते हैं। हम फेसबुक पेज पे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू ऐसी हम अपील करते हैं और लोग बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डोनेशन की ज़रूरत है क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है, यहाँ पर बहुत नीड है। कितने आपने दीपिका के इलाज के लिए जो कितने के लिए? अभी हमने 77,000 रुपीज दे दिए हैं, 10,000 पहले देखे गए थे, एज वेल एज डॉक्टर कंबोज का कल फोन आया था तो उन्होंने भी आई थिंक अबाउट 80,000 या लाख के आसपास उन्होंने कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि दीपिका के लिए तो कर ही पाएंगे, एज वेल एज और भी यहाँ पे काफ़ी सराय में केसेस हैं, इनको मदद की ज़रूरत है उनके लिए भी। हाँ जी,